2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर बनाए गए लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंत्री ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का संबोधन सुना और रिबन काट कर लोकसभा कार्यालय का शुभारम्भ किया। इस मौके पर जोश में आए कार्यकर्ताओं ने अब की बार 400 पार के नारे लगाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा स्तर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुट गया है। पार्टी के सभी पदाधिकारी, विधायक और मंत्रीगण लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को लेकर बैठक करने में लगे हैं। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा प्रत्याशी को बल्लभगढ़ विधानसभा से 1.5 लाख पार से वोटों से चुनाव जिताकर भेजेंगे और कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा राज में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हुए। आम गरीब व्यक्ति, मजदूर, किसान सभी का ख्याल रखते हुए योजनाएं लागू की गई। आज प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया है और पूरे हरियाणा में आज कार्यकर्ता लोकसभा के चुनाव के लिए पूरी तैयार है और आने वाले समय में चुनाव लोकसभा का होगा और चुनाव की तैयारी को लेकर छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता आज कमल के कार्य में लगे हुए हैं और आने वाले समय में पूरे देश में जो मोदी जी का नारा है उसे साकार करेंगे और मोदी ने 400 पार का जो नारा है सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस नारे को लेकर आगे बढ़ेंगे और हम सबको कमल को देखना है। हमारा निशान कमल है और कमल से ही आगे बढ़ना है कि कमल हमारा प्रत्याशी कौन होगा। हमको मोदी जी को और कमल को लेकर आगे चलना है। आज उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है, मैं सभी को बधाई, सभी कार्यकर्ता सबको। मंत्री जी, 2024 में विधानसभा के चुनाव भी हैं, उनको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? ये लोकसभा के चुनाव है, पहले तो लोकसभा है, लोकसभा की तैयारी है। जब लोकसभा का और लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ साथ हैं और चुनाव तो लोकसभा का वही है, विधानसभा भी है। पहले लोकसभा के चुनाव को लेकर चलना, आने वाले समय में जब विधानसभा का होगा फिर विधानसभा के पर कार्यक्रम में लगेंगे। अब हम सब लोकसभा कार्यक्रम में लगे हुए हैं। लोकसभा के चुनाव ऐतिहासिक जीतो, पिछली बार हमारा जो प्रत्याशी था अपने कृष्णपाल जी और हम कह गए 1 लाख और पार हो, 1 लाख प्लस हो, पिछली बार 6 लाख था, पहले 6 था, अब 7 लाख पार। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर बनाए गए लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की बल्लभगढ़ विधानसभा में मंत्री ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री का संबोधन सुना और रिबन काटकर लोकसभा कार्यालय का शुभारम्भ किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।